सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी। सोलहवीं पुतली सत्यवती, राजा विक्रमादित्य और पाताल लोक की यात्रा। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन नगरी का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक से बढ़कर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनकी 9 जानकारों की एक समिति थी जो हर विषय पर राजा को परामर्श देते थे तथा राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राजकाज संबंधी निर्णय दिया करते थे। एक बार ऐश्वर्य पर बहस छिड़ी तो मृत्युलोक की भी बात चली। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ऐश्वर्य देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक हैं, इसलिए उनका स्थान देवताओं के समकक्ष है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। विक्रमादित्य ने सशरीर पाताल लोक जाकर उनसे भेंट करने की ठान ली। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक ले चलने को कहा। बेताल उन्हें जब पाताल लोक लाए तो उन्होंने पाताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा तथा सुनियोजित था। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। शेष नाग को खबर मिली कि मृत्यु लोक से कोई सशरीर आया है तो वे उनसे मिले। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर और नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रायोजन बताया तथा अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने चलते वक्त उन्हें 4 चमत्कारी रत्न प्रदान किए। पहले रत्न से मुंह मांगा धन प्राप्त किया जा सकता था, वहीं दूसरा रत्न मांगने पर हर तरह के वस्त्र और आभूषण दे सकता था। तीसरे रत्न से हर तरह के रथ, अश्व और पालकी प्राप्त हो सकती थी। वहीं चौथा रत्न धर्म कार्य तथा यश की प्राप्ति करा सकता था। काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेताल स्मरण करने पर उपस्थित हुए और विक्रम को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हो गए। विक्रम चारों रत्न लेकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए ही थे कि उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। उन्होंने राजा से उनकी पाताल लोक की यात्रा और रत्न प्राप्त करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उनका अभिप्राय समझकर उससे अपनी इच्छा से एक रत्न ले लेने को कहा। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और बोला कि अपने परिवार के हर सदस्य से विमर्श करने के बाद ही वह कोई फैसला करेगा। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी, बेटे और बेटी से सारी बात बताई तो तीनों ने अलग अलग तरह के रत्नों में अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और इसी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंच गया। दयालु विक्रम ने हंसकर चारों के चारों रत्न उस ब्राह्मण को उपहार में दे दिए। आप सुन रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कथाएं। इस कथा के लिए वाचन था अभिषेक देवांगन का, प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप।